तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था।